नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। बिछमा थाना क्षेत्र के गांव अंजनी के समीप सत्संग सुनकर वापस आ रहे श्रद्धालुओं का टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में तुरंत इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। बिछमा थाना क्षेत्र के गांव अंजनी के समीप कुरावली के गांव लखौरा से सत्संग सुनकर मैनपुरी वापस लौट रहे एक टेम्पो को अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक महिला विद्या देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी राम नारायण साग के निवासी देवापुर नगला ओंछा की मौत हो गई। मीरा पत्नी राजपाल निवासी देवपुर ओंछा, सुनीता पत्नी गुलाब सिंह निवासी मरौली दनहार गंभीर रूप से घायल हो गई। विद्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला है? हम यही रोड पे खड़े थे, ये स्पीड से आया और अपने आप पलट। कितने लोग इसमें सवार थे? करीब लगभग होंगे 10-12 लोग। इसमें क्या लोगों की हालत क्या रही है? इसमें किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर टूटा, किसी की मृत्यु भी हुई है इसमें। एक लोगों की मृत्यु हो गई है मौके पर ही। मौके पर और बाकी लोगों के मौके पर पुलिस पहुंची है। मौके पर पुलिस पहुंची है और 108 आई है। 108 आई, उसमें जो जिसके टूटा फटी थी, चोट लगी थी, वो रेफर कर दिए गए मैनपुरी जिला अस्पताल के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हो, कुछ पता लगा इनके बारे में? सत्संग से आ रहे थे, एटा से। एटा से सत्संग जो मंडी के पास कोई गांव बता रहे हैं, देवामई गांव है। जो मृत हुई है वो देवामई की रहने वाली है।